माँ मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन कहाँ आया? हाँ हाँ ला रही हूँ, ये लो। थैंक यू माँ, बाय। बाय बेटा। मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे आज रात फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाना है। ठीक है बेटा, ये लो। पापा प्लीज मुझे भी कुछ पैसे दे दो ना, मुझे भी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। नहीं बेटा, लड़कियों का शाम को ज्यादा टाइम तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी।
जान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी, जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। बेटा इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र दो, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र दो, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र दो, बना ले इनको शस्त्र दो। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि लड़की पर होने वाले अत्याचार या परेशानियों का कारण उसका रहन सहन या आधुनिक लाइफस्टाइल नहीं होती। हमारी आपसे प्रार्थना है इन बातों के लिए बेटियों को दोष मत दीजिए, उन पर बंदिशें ना लगाइए, बेटियां तो ईश्वर का अनमोल उपहार है, उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उन्हें उड़ने को एक खुला आसमां दीजिए। अब तक हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे थे, हम कह रहे थे सेव गर्ल्स, मैं कहना चाहती हूँ सेव आवर बॉयज, बिकॉज इफ वी सेव आवर बॉयज आवर गर्ल्स विल बी सेव्ड। किसी ने सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं है, अब बेटों को भी समझाइए, यदि बेटे संस्कारित व शिक्षित होंगे तो बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। आइए इस समाज में ऐसा माहौल बनाए कि हमारी बेटियां अपनी मंजिल को बगैर किसी परेशानियों के पा सके। जय हिंद।